तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश में चल रहे जंगल राज से जुड़ी कुछ खबरें आज हम आपको बताने वाले हैं। कानपुर की 7 वर्ष की दलित बेटी की लाश मिली। आशंका है कि बच्ची का रेप किया गया है, बाद में उसकी हत्या भी की गई और पेट चीरकर उसके गुर्दे निकाले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुष्टि हो गई कि बच्ची का पहले रेप हुआ और बाद में उसकी हत्या की गई। उत्तर प्रदेश में चल रहे इस गुंडा राज से जनता त्रस्त हो चुकी है। ना जाने ऐसे कितने मामले हैं जिनकी FIR तक नहीं होती और मामलों को दबा दिया जाता है। सरकार को ये सब दिखता नहीं या सरकार देखना नहीं चाहती। लेकिन क्या दिल्ली में बैठा भोपू मीडिया, उसके चमचे पत्रकार ऐसी खबरों पर जरा भी चिंतित नहीं है, जरा भी विचलित नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो तो महबूबा मुफ्ती का बयान दिख ही रहा है। इस खबर से गोदी मीडिया को क्या लेना देना कि उत्तर प्रदेश में 7 साल की बेटी का रेप हुआ। वही दूसरी खबर कानपुर से है। वहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे में राजू निषाद की हत्या कर दी गई। अमार नाम का शख्स जो आरोपी है वो पानी के पाउच फोड़ रहा था, उसी वक्त कुछ छींटे राजू निषाद पर उड़ गए। इस मामले में UAPA लगा दिया गया, जबकि आरोप लग रहा है कि हमला राजू निषाद के पक्ष ने किया था। उस तरफ के लोगों पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर की यह घटना है। रेप की 4 साल की सजा काट चुके एक शख्स ने 7 साल की बच्ची का हैवानियत से फिर से एक बार रेप किया। और हैवानियत की बात यह है कि बच्ची के घर जाकर उसके माँ को धमका भी आया कि अगर मुंह खोला तो तुझे और तेरी बेटी को मार डालूंगा। भयभीत इस महिला ने किसी को कुछ ना बताया, लेकिन शाम को उसके पति जब घर लौटे और शिकायत दर्ज की, उसके बाद बच्ची को प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस कंप्लेंट हुई, तब जाकर FIR का मामला दर्ज हुआ। 4 साल की सजा काट चुका ये इंसान फिर भी दिलेरी होकर घूम रहा था। यह हाल है आदित्यनाथ सरकार की, जहां पर खुद महाराज बैठे हैं। ऐसे हैवानियत करने वालों पर कोई NSA नहीं लगता, कोई UAPA नहीं लगता, इनको कोई एनकाउंटर में नहीं मारेगा। वही फतेहपुर में 2 दलित समाज की सगी बहनों की हत्या कर दी गई। रेप के बाद उनकी हत्या करने की आशंका बताई जा रही है। उन दोनों के हाथ पैर बंधे हुए हालत में मिले हैं लाश तालाब से बरामद की गई है। इनकी आंखें फोड़ दी गई है, आंखों से खून भी निकलता दिखाई दिया। फतेहपुर का असोदर थाना की यह घटना है। पुलिस का कहना है कि तालाब के किनारे सिंगाड़े का झाड़ लगा था और दोनों बहनें वह गई होंगी और उनका पैर फिसल गया और उसके बाद वह तालाब में गिरकर मर चुकी होंगी। दलित समाज की इन बेटियों पर हुए हैवानियत पर मीडिया खामोश है। ऐसे कितनी घटनाएं हैं जो हमारे सामने नहीं आती, जिनकी कोई FIR नहीं होती, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है।